समझ कर पशुपालन की राह पे हम जो चले, सूरज केवल चढ़ता जाए शाम कभी न ढले। सोच समझ कर पशुपालन की राह पे हम जो चले, सूरज केवल चढ़ता जाए शाम कभी न ढले। घर जोत से जोत जले, 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 जोत से जोत जले। ये बात तो हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हर व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता। व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है यही से सीखता है। आज की हमारी ये कहानी दो सहेलियों की है, आशा और लक्ष्मी। लेकिन हमारी ये कहानी कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ी हुई है। आशा और लक्ष्मी दोनों ही पढ़ाई में साधारण थी, मगर आशा के मुकाबले लक्ष्मी पढ़ाई में होशियार थी। लक्ष्मी का परिवार भी आशा के परिवार से कुछ हद तक ज्यादा संपन्न था। इम्तिहान के दिनों में आशा को कोई परेशानी होती तो वो लक्ष्मी से पूछ लिया करती और लक्ष्मी उसे खुशी खुशी बताती भी थी। बचपन में एक साथ पली बढ़ी ये सहेलियां आज अपने अपने ससुराल में अपने अपने पारिवारिक व्यवसाय पशुपालन में जुड़ चुकी है। आज शादी के 5 साल बाद ये दोनों सहेलियां पहली बार मिल रही हैं। बहन जी जरा, अरे अब घूरती रहेगी या बैठेगी भी? आशा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये तू है। यकीन बाद में कर लेना, पहले आ जा, बैठ जा। अरे वाह, इतने सारे गहने और ऐसे सज सवर के कहाँ जा रही है? मेरी भाभी की गोद भराई की रस्म। रामपुर? तुझे कैसे पता? वो मेरी भी रिश्तेदार है और मैं वही जा रही हूँ। अच्छा, बुरा न माने तो एक बात पूछूं? पूछना। इतनी महंगी साड़ी, इतने सारे गहने और ये स्मार्टफोन, राज क्या है? इसका राज है हर साल में एक बच्चा। पागलों जैसी बातें करती है। हमारे पशु हर 21 दिन के अंतराल से गर्मी में आते हैं, और पशु के गर्मी में आने पर पशुपालक अच्छा। कोई और काम में व्यस्त होने की वजह से उसके लक्षण पहचान नहीं पाते हैं और अच्छा। सही वक्त पर गर्भाधान करवाने से चूक जाते हैं और उसका नतीजा 21 दिनों तक दूध का नुकसान, और अगर दूसरी बार भी चूक गए तो 42 दिनों तक दूध का नुकसान। वो कैसे? एक गाय कितने महीने दूध देती है? 9 से 10 महीने। 9 से 10 महीने दूध देने के बाद वो दूसरी बार तभी दूध दे पाती है जब वो फिर से एक बच्चे को जन्म देती है। सही बात है, अगर हम एक गर्मी चूक जाते हैं तो उसकी दूसरी ब्यात में 21 दिन की देरी हो जाती है और 21 दिनों तक दूध का नुकसान और आमदनी भी कम हो जाती है। और हाँ, 21 दिन तक पशु दाना चारा तो लेगा ही, तो उनके दाना चारे का और रख रखाव का खर्च अलग से। बिल्कुल, और अगर हमारी लापरवाही की वजह से या फिर हमारे पशुओं की शारीरिक समस्याओं की वजह से हमारी 4-5 गायों में से 1-2 गाय भी साल में एक बच्चा ना दे तो तुम समझ सकती हो कि कितना नुकसान होगा। पर आशा, ये सही वक्त पर गर्भाधान वाली बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। मुझे भी पता नहीं थी। तो फिर पशुपालक के बारे में बहुत सारी बातें मुझे मेरे भाई प्रकाश ने बताई है। जिन्होंने भारत सरकार द्वारा प्रमाणित AI ट्रेनिंग सेंटर से कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण लिया है। आशा! अरे प्रकाश भैया, ऐसे अचानक? ऐसे अचानक आने वाले को ही तो अतिथि कहते हैं। वैसे तुम कैसी हो? बढ़िया बढ़िया। हाँ, चलो आइए आइए, आप बैठिए भैया। आशा, आशा। जी भैया। आशा, लगता है तुम्हारी गाय गर्मी में आ गई है।
आपको कैसे पता? मुझे तो पता ही नहीं चला। बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आशा, कोई भी पशु गर्मी में आ जाता है तो उसके कुछ खास लक्षण होते हैं, जैसे कि पशु बार बार रंभाता है, बार बार पेशाब करता है, बार बार उठता बैठता है, बेचैन रहता है, दूसरे पशुओं पर कूदता है, चारा कम खाता है, दूध अचानक कम हो जाता है, योनि हल्की सी लाल और सूजी हुई दिखती है, और योनि में से कांच जैसा पारदर्शी तथा चिपचिपा स्त्राव होता है। तब तो उन्हें फोन करके बुलाना ही पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, अभी वक्त है तुम्हारे पास। पशु का गर्भाधान पशु के गर्मी में आने के 12 से 18 घंटों के बीच करवा लेना चाहिए। ज्यादातर पशु सुबह और शाम को गर्मी में आते हैं, तो तुम शाम को अपनी गाय का कृत्रिम गर्भाधान करवा लेना। कृत्रिम गर्भाधान? भैया, ये कृत्रिम गर्भाधान वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। आशा, हर एक पशुपालक को अपने पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान ही करवाना चाहिए। मगर क्यों? क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान सस्ता और सुरक्षित है। तुम तो जानती होगी कि जब हम प्राकृतिक गर्भाधान करवाते हैं तो सांड के मालिक को हमें घी, तेल या चावल, गेहूं वगैरह देने पड़ते हैं, और पैसे भी देने पड़ते हैं। दूसरी बात, हमें अपने पशु को सांड के पास घर से बहुत दूर ले जाना पड़ता है। तीसरी बात, अच्छी नस्ल के सांड मिलना भी मुश्किल है, और सोचो अगर सांड भारी भरकम हुआ तो अपने पशु को चोट भी लग सकती है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर सांड को कोई संक्रामक बीमारी है तो वही बीमारी पशु को भी लग सकती है। भैया, आपकी बात तो सही है, मगर ये कृत्रिम गर्भाधान सस्ता और सुरक्षित कैसे? सबसे पहली बात, कृत्रिम गर्भाधान करवाने के लिए पशु को घर से दूर नहीं ले जाना पड़ता। एक फोन करने से ही कृत्रिम गर्भाधान करने वाला AI टेक्नीशियन आपके घर आ जाता है, जिसके लिए बहुत ही कम पैसे देने होते हैं। कृत्रिम गर्भाधान के लिए जिस सांड के वीर्य का उपयोग होता है वो उत्कृष्ट सांड, अच्छे से अच्छी नस्ल का ही होता है। ऐसे सांडों का जन्म एवं पालन पोषण वैज्ञानिक पद्धतियों से होता है। समय समय पर उनकी हर तरह की जांच होती है, इसलिए हमारे पशु को संक्रामक बीमारी लगने का कोई खतरा नहीं रहता। इतना ही नहीं, कृत्रिम गर्भाधान के बाद AI टेक्नीशियन पशु के कान पर एक ईयर टैग या कान का बिल्ला भी लगाता है, जिस पर अंकित 12 अंकों का नंबर हमें उस पशु के ऊपर अब तक की गई सभी क्रियाओं की जानकारी देने में सहायता करता है, जैसे कि इस पशु का किस सांड के वीर्य से और कब गर्भाधान किया गया है, उस सांड की माँ कौन थी, कितना दूध देती थी, पिता कौन था, इत्यादि। और एक बात ध्यान से सुनिए कि जब आप कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं तब हर नस्ल की सीमन स्ट्रॉ के अलग अलग रंग निर्धारित किए गए हैं, तो ध्यान से सुनिए। नारंगी रंग देसी गाय के लिए, स्लेटी रंग भैंस के लिए, गुलाबी HF गाय के लिए, पीला जर्सी गाय के लिए, हरा HF क्रॉस के लिए, हल्का नारंगी जर्सी क्रॉस के लिए। समझ में आई बात? ये तो बड़ी अच्छी बात है। कृत्रिम गर्भाधान से नस्ल सुधार का काम बड़ी आसानी से हो सकता है। अगर तुम्हारी गाय का गर्भाधान उत्कृष्ट नस्ल के सांड से होता है तो पैदा होने वाले बच्चे भी उत्कृष्ट नस्ल के ही होंगे, और अगर बछड़ी हुई तो माँ से ज्यादा दूध देगी। प्रकाश भैया, गाय के साथ साथ भैंस का भी कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए? बिल्कुल, सिर्फ अपनी देशी गायों का ही नहीं, भैंस का भी कृत्रिम गर्भाधान करवाना ही चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान सिर्फ संकर नस्ल के पशु पैदा करने के लिए ही नहीं है, हर एक नस्ल की गाय और भैंस की दूध देने की क्षमता बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान बेहद जरूरी है। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो अब पता चल गया। अच्छा आशा, मुझे लगता है कि अब मुझे निकलना चाहिए। अरे, ऐसे कैसे जाओगे? बहन के घर आए हो, खाना खाए बगैर तो जा ही नहीं सकते। आशा, खाने अरे भाई, का साले साहब क्या है? अरे जीजा जी, आइए आइए। कैसे हो भाई? बहुत अच्छा। बैठो बैठो। हाँ, मुझे आपका बहुत बड़ा काम है और आपसे बहुत कुछ पूछना भी है। वैसे जीजा जी, आप मिल गए वो बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि मैं भी आज आपको AI के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ये AI क्या है भाई? AI
एआई मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान। एआई ही सबसे अच्छा है। हमारी गाय अभी गर्मी में आई है ना। अच्छा हाँ अच्छा शाम को जब आप अपनी गाय का एआई करवाए तो खास ध्यान रखिएगा कि एआई टेक्नीशियन एसओपी का पालन करता है या नहीं। ये एसओपी क्या है? एसओपी एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कार्य करने का सही तरीका या पद्धति। वैसे तो हर अच्छा एआई टेक्नीशियन एसओपी का पालन करता ही है। जैसा कि हर अच्छा एआई टेक्नीशियन पशु के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर गर्मी की उचित अवस्था में ही कृत्रिम गर्भाधान करता है। उसके उपरांत प्रदेश की प्रजनन नीति को ध्यान में रखकर वो पशुपालक को सांड और नस्ल के बारे में जानकारी भी देता है। प्रजनन नीति मतलब? अलग अलग प्रदेश की एक प्रजनन नीति होती है जिसको प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति, पर्यावरण और जैव विविधता के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। एआई टेक्नीशियन पशुपालक को सायर डायरेक्टरी भी दिखाता है जिससे पशुपालक अपनी पसंद के सही सांड या वीर्य का चयन कर सके। वो वीर्य को हमेशा तरल नाइट्रोजन कंटेनर में ही रखता है और सही उपकरणों का इस्तेमाल करता है। कुशल एआई टेक्नीशियन वीर्य की स्ट्रॉ को चिमटी से ही कंटेनर से बाहर निकालता है और नियत तापमान पर ही वीर्य को तैयार करता है। इतना ही नहीं, वो ये भी सुनिश्चित करता है कि वीर्य जीवाणु रहित रहे, जो कृत्रिम गर्भाधान की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डिस्पोजेबल दस्तानों का उपयोग करता है। एक कुशल एआई टेक्नीशियन सफाई का विशेष ध्यान रखता है और उसे सिखाई गई सही पद्धति का इस्तेमाल कर वीर्य को प्रजनन अंग में सही स्थान पर डालता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तानों एवं वीर्य की खाली स्ट्रॉ को इधर उधर न फेंक कर कूड़ेदान में डालता है और अंत में पशु के कान पर ईयर टैग यानी कान का बिल्ला लगाता है। ब्रीडिंग कार्ड में एंट्री करता है। साथ ही पशुपालक को एआई के बाद ध्यान रखने योग्य कुछ जरूरी बातें भी बताता है, जैसे कि सीमेन स्ट्रॉ पर लिखा गया उत्कृष्ट सांड का नंबर वगैरह। जिस पशु का कृत्रिम गर्भाधान करवाया है वो 20 से 22 दिनों के बीच गर्मी में आता है या नहीं उसका ध्यान रखना। अगर वो गर्मी में नहीं आता है तो 60 से 90 दिनों के बाद उसका गर्भ परीक्षण करवाना चाहिए जिससे हमें पता चले कि पशु गाभिन है या नहीं। अगर वो गाभिन नहीं है तो चिकित्सक के पास परीक्षण करवाएं और फिर से गर्मी में आने पर कृत्रिम गर्भाधान करवाएं। 3 बार कृत्रिम गर्भाधान करवाने के बाद भी अगर पशु गाभिन नहीं होता है तो चिकित्सक के पास जरूरी चिकित्सा करवानी चाहिए। ये सब बातें एक जागरूक और प्रगतिशील पशुपालक को ध्यान में रखनी ही चाहिए ताकि कृत्रिम गर्भाधान कर्मचारी यदि गलत तरीके से गर्भाधान करे तो उसे रोका जा सके। अच्छा जीजा जी, आप अपने पशुओं को घर पर ही चारा देते हैं या चराने के लिए चरवाहे को सौंपते हैं? नहीं नहीं, हम तो घर पर ही चारा देते हैं। मगर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? पशु अगर चरने के लिए बाहर जाता है तो किसी भी अनुपयुक्त सांड से पशु के गाभिन होने का खतरा रहता है। हाँ वो तो है, पर उसमें तो कोई क्या कर सकता है? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर गांव में कोई लावारिस सांड हो या किसी पशुपालक का सांड खुला घूमता हो तो गांव वाले मिलकर उस पशुपालक को उस सांड के मालिक को समझा सकते हैं और उस सांड का बंधियाकरण करवाना चाहिए। समझी? हाँ आशा, सब समझ गई। अरे ये देख, हम तो रामपुर पहुँच गए, बातों बातों में तो पता ही नहीं चला। चल चल चलते हैं। अरे हा, 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 हा। कैसे हो प्रकाश भैया? बहुत बढ़िया, तुम कैसी बस हो? बढ़िया। मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? बढ़िया। ये मेरी बचपन की सहेली। एक मिनट, लक्ष्मी ना? हाँ। कैसी हो लक्ष्मी? बहुत बढ़िया भैया। भैया आपके बारे में हमने बस में बहुत सारी बातें की। मुझे आपका नंबर चाहिए, मुझे आपसे पशुपालन के बारे में बहुत सारी जानकारी चाहिए। अगर जानकारी पशुपालन के बारे में चाहिए तो मैं अवश्य दूंगा। अरे हाँ हाँ, नंबर ले लेना और बहुत सारी जानकारी भी ले लेना। पहले शिल्पा से तो मिल लो। हाँ, 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 चलो चलो आओ आओ। सॉरी शिल्पा भाभी,
थोड़ी सी तो देर हो गई, अब आप गुस्सा तो मत करो प्लीज। और इस हालत में तो बिल्कुल नहीं, और चलने फिरने में ध्यान रखना और वक्त पर अच्छा खाना खाना। हाँ, और तुम भी। अच्छा, ये भी? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर? मैं तो उसको उसकी गाय के बारे में बता रही थी। जितना ध्यान हम एक गर्भवती महिला का रखते हैं, उतना ही ध्यान गाभिन पशुओं का भी रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। लक्ष्मी आज बहुत खुश थी, क्योंकि आशा ने वापसी में उसे पशुपालन संबंधित लाभदायक जानकारी दी थी जो उसने कभी नहीं सुनी थी। वापस आने के बाद भी लक्ष्मी हमेशा मुझसे और आशा से फोन पर पशुपालन संबंधित लाभदायक जानकारियां प्राप्त करती रहती थी, और इस तरह लक्ष्मी स्वयं बन गई एक प्रगतिशील डेयरी फार्मर। बढ़ाए देश को हम सब खुद भी फूल फले। घर जोत से जोत जले, 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 जोत से जोत जले। अरे राम भाई, ये आपने क्या किया? अपनी बछड़ी बेच दी? हाँ लक्ष्मी बहन। राम भाई, ऐसी गलती दोबारा मत करना। बछड़ी को बेचने से ज्यादा फायदा उसको पालने में है, और आपकी बछड़ी तो कृत्रिम गर्भाधान से पैदा हुई थी ना? हाँ। तब तो वो अच्छी नस्ल की उत्कृष्ट सांड की बेटी थी। अगर उसे नहीं बेचते ना, तो वो अपनी माँ से ज्यादा दूध देती। और राम भाई, आपको पता है हमारी सरकार दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए पशु नस्ल सुधार पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, ताकि वो किसान की आय को जल्द दोगुना कर सके। और हम है कि अच्छी नस्ल की बछड़िया ही बेच देते हैं। आपकी बात सही है लक्ष्मी बहन, आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद कभी भी मैं बछड़ी को नहीं बेचूंगा। तो आपने देखा कि किस तरह मेरी जलाई जोत से आशा की, आशा से लक्ष्मी की, और लक्ष्मी से राम भाई की जोत जली। आप भी आशा, लक्ष्मी, राम भाई और मेरी तरह कृत्रिम गर्भाधान के वैज्ञानिक अभिगम को अपनाएं और अपने पशुपालन के व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। जोत से जोत जलाएं। जोत से जोत जले, जोत से जोत जले, जोत से जोत जले, जोत से जोत जले।